अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसा कि आपको पता है इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पे शोर मचा हुआ है। साइफर एक इंटरनेशनल मीडिया की वेबसाइट द इंटरसेप्ट के जरिए लीक कर दिया गया है, और अगर आप लोगों ने वो आर्टिकल अभी नहीं पढ़ा है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप उसको जाकर पढ़ें। उसके अंदर शुरू से लेकर आखिर तक इस साइफर कॉन्ट्रोवर्सी की डिटेल्स बताई गई हैं, और बताया गया है कि पाकिस्तान और यूएसए की रिलेशनशिप कैसी है, कैसे यूएसए पाकिस्तान को भिखारियों की तरह ट्रीट करता है। तो मैं इस आर्टिकल में से मुझे काफी सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगे, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ एक एक करके मैं शेयर करता हूं। ओके जी, पॉइंट नंबर वन और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि साइफर को लीक किसने किया है। द इंटरसेप्ट के मुताबिक साइफर को पाकिस्तानी मिलिट्री से किसी एनोनिमस सोर्स ने उन तक पहुंचाया है, और इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर डिफरेंट क्या सारी आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद जो एक फैक्शन है पाकिस्तानी मिलिट्री में जो इमरान खान को सपोर्ट करता है उनकी तरफ से इसको लीक किया गया है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद ये गवर्नमेंट की तरफ से लीक किया गया है, ये एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से लीक किया गया है। क्योंकि आपको याद होगा कि बहुत अरसे से ये शोर मचा रहे हैं कि इमरान खान ने पाकिस्तान का सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक कर दिया है, तो इनके ऊपर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। तो अभी थोड़ी देर पहले राना सनाउल्लाह की जो इंटीरियर मिनिस्टर है उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट रिलीज की गई है कि ये डॉक्यूमेंट इमरान खान ने हमें कहा था ये गुम गया है, तो शायद उनकी तरफ से ही ये लीक किया गया है, तो उनके ऊपर आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। तो ये अब ऑब्वियसली अगले चंद दिनों के अंदर ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ऑब्वियसली बैक एंड फोर्थ इसके ऊपर इल्जाम तराशियां ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेरे ख्याल में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है कि इसके बारे में इमरान खान कंटिन्यूअसली इसके बारे में बात करते रहे, लेकिन आम लोग हम जैसे लोगों को इसकी तरह थोड़ी सी समझ नहीं आई थी, जो कि अब क्लैरिटी आ रही है कि हुआ क्या। इमरान खान बार बार कहते थे कि ये जो हमारा डिसीजन लिया गया है यूक्रेन और रशिया के मामले में न्यूट्रल रहने का, ये सिर्फ मेरे अकेले का डिसीजन नहीं है, इसके ऊपर हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कंप्लीटली ऑन बोर्ड है। तो मुझे ये समझ नहीं आती थी कि ये बार बार क्यों कहा जाता है। तो अब पता चला, इस डॉक्यूमेंट लीक के जरिए पता चला है कि डोनाल्ड लू का कहना था कि अगर तुम इमरान खान को रिमूव करते हो, उसको निकाल देते हो गवर्नमेंट से, तो हम समझेंगे कि ये इमरान खान के अकेले का डिसीजन था, इसमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। तो हम अगर ये तुम कर देते हो तो हम बिल्कुल समझेंगे, हम तुम्हें माफ कर देंगे और जो हमारी रिलेशनशिप है वो इंटैक्ट रहेगी। अच्छा, तीसरा पॉइंट ये है कि स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से भी इसके ऊपर कमेंट आ गया है। स्टेट डिपार्टमेंट के जो स्पोक्स पर्सन है उनका नाम है मैथ्यू मिलर से जब यह सवाल किया गया कि आपका इस डॉक्यूमेंट के ऊपर क्या कहना है, तो उनका आगे से जवाब आया कि ये प्राइवेट डिप्लोमेटिक डिस्कशन है, इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। और इसका यह मतलब हुआ क्योंकि वो पिछले 1.5 साल से उनसे स्टेट डिपार्टमेंट से सवाल पूछे जा रहे थे, तो वो इसके ऊपर बिल्कुल इंकारी थे। अब डॉक्यूमेंट रिलीज होने के बाद वो कह रहे हैं कि ये जी प्राइवेट मैटर है, और उनका जवाब जो था ना, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज से अगर आप देखें उनका क्लिप आपको मिल जाएगा सोशल मीडिया पे, कहीं पे भी ट्विटर के ऊपर चेक कर लीजिएगा, तो उसके अंदर बॉडी लैंग्वेज से लग ऐसा रहा है कि वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और उसको उन्होंने इसका कोई जो अगर ये डॉक्यूमेंट ठीक ना होता, ये आर्टिकल ठीक ना होता, तो वो इसको कंप्लीटली इनकार करते थे जैसे कि वो पिछले 1.5 साल से करते हैं। इसी पॉइंट के अंदर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, ये जो लेटेस्ट जो स्टेटमेंट आई है मैथ्यू मिलर की, जो कि स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन है, इससे पहले जो इन्होंने स्टेटमेंट दी थी ना, उन्होंने उसमें कहा था कि मेरे से ये बार हर वक्त आप सवाल पूछते रहते हैं कि जी मैं ये पाकिस्तान के अंदर ये जो साइफर वाला इशू है इसके अंदर मैं इसका 2500 दफा जवाब दे चुका हूं, अब मैं सोच रहा हूं कि ना एक बोर्ड ला के रख लेता हूं और उसके ऊपर मैं लिख देता हूं कि भाई इसमें अमेरिका की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो उससे इन्होंने कंप्लीटली टर्न अराउंड करके आज ये स्टेटमेंट दे दी है, बल्कि ये वाली जो स्टेटमेंट थी इनकी, ये भी चंद्र उसका लिखी थी। अगर आप लोगों ने आर्टिकल नहीं पढ़ा है तो आप इस आर्टिकल को लाजमी पढ़िए। इस आर्टिकल में बड़े ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बताया गया है कि किस तरीके से अमेरिका पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का तो सिर्फ ढंडोरा पीटता है, और वो वहां पर डेमोक्रेसी का नाम नहीं है, वो मिलिट्री के जरिए पाकिस्तान को कंट्रोल करता है, और वहां पर जो उनके मुफादात हैं अपने मुफादात की, वहां पर पाकिस्तान मिलिट्री के जरिए हिफाजत करता है, और इसी वजह से पाकिस्तान के इतने बुरे हालात हैं, पाकिस्तान बिल्कुल ही प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है। तो इसको आप डेफिनेटली लाजमी देखिएगा। शुक्रिया।